ये वही पंचायत है भेली अरनोड़ा की। और चलिए एक और घर है जिसका भूकंप की वजह से जो है टूट गया है, अरनोड़ा पंचायत। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता जी क्या हुआ, मकान कैसे टूट रहा है आपका? एक ही कमरा है तो ये भी टूट गया था। हम बाहर रहते हैं, रात को भी एक ही कमरा है। कैसे रहते हैं? ये तो आसपास बहुत जंगल टाइप जैसा है। क्या करेंगे फिर, बच्ची एक ही है तो क्या करेंगे, बाहर ही रहना पड़ता है। कहीं ऊपर से गिरेगा तो फिर क्या करेंगे। टूटा कैसे, मतलब यहाँ वो गया था ना भूकंप, भूकंप तो उसके साथ टूटा था। ये जो परसों जैसे गया। हाँ, उसके बाद सब लोग घर से बाहर रह रहे। और क्या, बाहर रहते हैं तो। ये कच्चा मकान है आपका, कोई भी आपने बाहर से या तो ना मिट्टी लगाई है ना कोई सीमेंट नहीं, लगाया? कुछ नहीं लगाया, जब लगा ही नहीं पाते हैं, गरीब है तो कैसे लगाएंगे। क्या करते दिहाड़ी हैं आपके पति? कुछ भी नहीं, दिहाड़ी लगाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? ऐसे ही दिहाड़ी शाड़ी लगाते हैं इधर ही कहीं गाँव में। तो यहाँ के सरपंच वगैरह और जो मेंबर आपने बनाए वो बोलते हैं देंगे देंगे, तो 5 साल हुए तो क्या पता, फिर बोलते हैं निकल जाएगा तो क्या पता, फिर नहीं, फिर भी क्यों नहीं निकला? क्या पता है, बोलते हैं आज निकलेगा परसों निकलेगा। आज इधर अंदर भी आओ, अंदर भी देखो सारा ये टूट गया। हम झूठ थोड़े बोलते हैं, देखो इधर भी कितना टूट गया सारा। कहीं ऊपर से गिरेगा तो, हम खाना भी बाहर खाते हैं, कहीं ऊपर से गिरेगा तो फिर कैसे हम बैठेंगे। हमें एक ही बच्ची है, फिर रात को हम बाहर बैठते हैं, फिर हम बैठे रहते हैं तो बच्ची को सुलाते हैं। फिर अभी तमाम लोगों से एफिडेविट और वो चीजें ली जा रही थी, आपसे भी लिया गया एफिडेविट वगैरह लिया गया इस बारे हाँ मकान हाँ के? लिया, उन्होंने पूरे कागज लिया, बोलते आएगा तो क्या पता है फिर आएगा कि नहीं आएगा। पहले भी लेते थे, हाँ बहुत साल हुए लिए थे क्या उन्होंने, पता इस बारी मिल जाए? क्या पता, बोलते हैं मिलेगा तो कुछ पता नहीं। फिर वोट देते समय क्या क्या वादे करते थे? बस बोलते हैं मिल जाएगा सब कुछ आपको तो। ऐसा तो नहीं, मतलब बनती नहीं है सरपंच के नहीं साथ नहीं वो वैसे कुछ? अच्छे हैं सरपंच, हमारे सरपंच बहुत अच्छे हैं, झूठ नहीं बोल सकते हम। वो हमारे सरपंच अच्छे हैं तो, लेकिन बोलते हैं सभी देंगे, कभी एक को देंगे कभी दूसरे को देंगे, ऐसे ऐसे बोलते तो हैं। बारी बारी हाँ सीमेंट का रास्ता बना है, नहर बनी है आपके यहाँ के लिए, जो घरों के लिए मकान मिलने चाहिए जिनके, ये वही हो गया ना, मतलब चिराग तले अंधेरा, हाँ बिल्कुल डोडा के और साथ क्या, में है आप और आपके हाँ घर में नहीं है। और क्या, इधर कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, इधर पानी भी नहीं आता आपको? ऐसे ही आता है कहीं कहीं कहीं, कभी तो कभी आता है। रोजगार कैसे चलता है, घर बार कैसे क्या चलता है? करेंगे, जबरदस्ती से बैठे हैं तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर। जमीन शमीन कितनी है आपके पास? ऐसे ही थोड़ी है जमीन भी, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़की है, की कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो फर्स्ट में पढ़ती है। फास्ट में कहाँ, स्कूल हाँ कितने दूर इधर ही जाना? शाही में, दूर है स्कूल भी, बहुत दूर है स्कूल भी, नहीं है इधर कुछ नहीं। इस जिस मोहल्ले में आप हैं, इस मोहल्ले का क्या नाम है? इसका शोर वाला में, शोर वाला। हाँ कोई आता है आसपास कभी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अफसर आता है कभी नहीं, कभार? कोई भी नहीं इधर, कोई नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं। बस इलेक्शन के टाइम पे आते होंगे लोग। हाँ वही आते हैं, तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। मकान इनका टूट चुका है ना, ये रो सकते हैं ना कुछ चीजें बयां कर सकते हैं, ना सरपंच के लिए कुछ कह सकते हैं ना किसी और के लिए कुछ कह सकते हैं। अगर किसी के लिए कुछ कहेंगे तो जो कुछ है, तो मुझे लगता है ये भी इनको गुवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जोर जबरदस्ती है और जिस तरह की जो चीजें हैं, वो तमाम चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। अंदर के आपने हालत देख ली इनके मकान की, और आसपास आपको मुझे लग रहा है बाथरूम। कहाँ बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, टंकी जाते हैं नहीं आप? है, ऐसे कहीं खेतों में जाते हैं। आज भी खेतों में? और क्या, आपको पता है हर किसी को बाथरूम तो हर किसी को मिलता है, क्या हमें मिला ही नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? देखता हूँ मैं नहीं जाओ देखो, जाके देखो आसपास, देखता हूँ मैं, क्या जरा पता आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। देखो, कहीं भी इधर से देखो, अगर दिखाई देगा तो। ये घर का इस साइड वाला हिस्सा है, अब मैं दूसरे हिस्से में इनको हाँ इधर भी देखूंगा। जाओ देखो, कहीं हमें है ही नहीं बाथरूम, मिला ही नहीं हमें बाथरूम। उधर रखो से भी है, उधर से भी, उधर से भी बात हुई। नहीं ये तो फिर बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ। क्या करेंगे फिर, ये जानवर का जैसा जीते हैं क्या करेंगे फिर, आप ही बोलो भाई, क्या कर सकते हैं हम फिर। दिहाड़ी लगाते, पहली दिहाड़ी बात भी तो हमें लगती है, पता ही कभी नहीं था भी कि यहाँ लगती पर है, भी कोई मकान होंगे, जितने आसपास पेड़ पौधे हैं, और पता ही नहीं चल रहा था ये इधर सामने पता वाली ही जगह नहीं चलता पहुंचे है। थे। और क्या पता ही नहीं चलता है भाई, इधर है कोई जैसे जानवर, जैसे हम बैठे हैं इधर, क्या ये आपके करेंगे बच्चा फिर, है? कहाँ जाएंगे। यही एक क्या नाम है बच्ची बच्चे आपका? क्या है, संजना। संजना? संजना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड सेकंड क्लास में?
कितने दूर स्कूल जाना पड़ता है आपको? कितने दूर स्कूल जाना पड़ता है? बहुत दूर। कितना टाइम लगता है? एक घंटा लगता है। और धूप में जाते हो, कड़ाके वाली धूप में? बोलो। हाँ मुझे लगा था कि जिस एरिया में जो है दूर दूर जंगल और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी एरिया में ये सब होता होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा और ये बिल्कुल अरनोड़ा की पंचायत है जहाँ की ये हालत है, और ये कुछ घर हैं जिनकी बदकिस्मती इतनी है कि इन्होंने यहाँ पर घर बनाए। कब से है घर है यहाँ पर आसपास? मुझे नहीं है पता, मैं मिनाई आई, मुझे भी 10 साल। कितने साल हो गए शादी की हुए? 10 साल। पूछा तो होगा अपने हस्बैंड को आपने? बोलते हैं इधर ही बनाते हैं, इधर ही बैठे हैं हम पहले से ही, तो क्या पता है। इनको मकान उधर डोडा में जमीन थी, तो वो भी इनके चाचों ने ले ली थी, तो वो भी नहीं देते हैं, तो झगड़ा उनके साथ भी था। उधर भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था, बस हम सारा पैसा खर्च हुआ उधर, तो क्या कर सकते हैं, नहीं इधर बनाया नहीं उधर बनाया। दूर दूर तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है। और कल मैं डीसी ऑफिस में डीसी डोडा को सुन रहा था, तो डीसी डोडा कह रहे थे कि मुझे जो है टारगेट किया जाता है, तो टारगेट लोग किसको करेंगे? आपके जो नीचे काम करने वाले अफसर हैं, जिन लोगों को ईमानदारी करनी चाहिए, जिन लोगों ने हराम खा खा कर अपनी रोटियां खाई है, और जिन लोगों को यहाँ इन लोगों को मकान देने चाहिए, उन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं। सोचिए, मकान की तो बात छोड़िए, जिस महिला और जिस इंसान के पास अपना बाथरूम होना चाहिए वो चीजें नहीं, आज भी खेतों में जाना पड़ता है। राशन कार्ड कौन सा है आपके पास? राशन कार्ड बीपीएल। बीपीएल है? बीपीएल राशन कार्ड है। अब आपके हाथ में है सब चीजें, और मैंने आपको नाम भी बता दिया, और इनके मुंह से भी बोलवाया कि कौन सी जगह पे ये रहते हैं और क्या हालत है इनकी, और आसपास देखा भी। ये मकान आप देख सकते हैं, ऊपर से इन्होंने टीन के फट्टे जोड़कर डाले हुए ताकि बारिश और तो उन बाकी सारी चीजों से बचा जा सके। और आसपास बहुत सारे अखरोट भी हैं, और सही जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस खूबसूरत जगह को खूबसूरत और बनाना चाहिए, जहां पर महिलाएं बाथरूम जाएं, उनको आज भी जंगलों में जाना पड़े या खेतों में जाना पड़े, तो सोचिए इन लोगों की कितनी बदकिस्मती होगी। तो यहाँ के सरपंच को मैं बताऊं कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और आपको जो है आपकी जिम्मेवारी समझकर बाथरूम तो कम से कम दिलाना चाहिए। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा घोटाला है कि कुछ जगहों पे बाथरूम तीन तीन बार सेक्शन करवा दिए, यानी तीन तीन बार एक ही बाथरूम के आपको फोटो तक दे दिए। ऐसे बहुत सारे सबूत सामने भी हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा नहीं। और ये जो कैमरे के सामने कैद की गई तस्वीरें हैं, ये झूठ नहीं बोलती। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज के टाइम पर भी अगर खेतों में जाना पड़े, तो फिर इससे बड़ी लानत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और इस पंचायत के लिए क्या होगी, यहाँ की महिलाएं आज भी जंगलों में जाना पड़ता है। अब आप सोचिए, जिस घर के बाहर ये सब चीजें हों, और जिस घर के बाहर ये तमाम चीजें हों, जहां पर खेती बाड़ी चलती हो, बच्चे किस तरह से पढ़ते हो, रात के समय सोना अगर हो तो बाहर सोना पड़ता है। आसपास मैंने देखा तो भालू के बहुत सारे निशान भी है। मुझे लगता है कि भालू जब अपना समय लेता होगा, वो भी अपना तांडव करता होगा जंगल की वाली साइड पे। अब देखना होगा यहाँ के सरपंच और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज से पहले कोई यहाँ पर पहुंचा होगा। सिर्फ वोट के टाइम पर लोग जो है यहाँ तक पहुंचते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।